करेंगे कुछ ब्रोकरेज टारगेट के बारे में। ये ब्रोकरेज होता कौन है? ये एक फाइनेंस फर्म होता है जिसमें कि टॉप अकाउंटेंट, कुछ अच्छा रिसर्चर जो स्टॉक को डिटेल्स में एनालाइज करके उसका टारगेट बताता है फॉर नेक्स्ट ईयर और फॉर लॉन्ग टर्म। और ये स्टॉक ब्रोकर स्टॉक को ग्रेड भी करता है, जैसे कि स्टॉक कौन सा कैटेगरी का है, ए बी सी या ए प्लस, ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा पहला जो स्टॉक है HDFC बैंक, ये बैंक सभी का बहुत पसंदीदा है। लेफ्ट साइड में मैंने कुछ ब्रोकरेज का नाम रखा है, यहाँ पे जो प्राइस अभी चल रहा है और कुछ टारगेट यहाँ पे बताया गया है। HDFC बैंक के ऊपर टारगेट बहुत ही अच्छा है। पहला जो उस ब्रोकरेज है वो निर्मल बैंक है, निर्मल बैंक, और इसने टारगेट दिया है 1832 का और बाय रिकमेंड किया है फॉर नेक्स्ट वन ईयर। वैसे करके मोतीलाल ओसवाल, जेफरीज, एमकी ग्लोबल सभी ने इसको बाय रिकमेंड दिया है और अच्छा खासा एक ग्रोथ पोटेंशियल दिखाया गया है जो फॉर नेक्स्ट वन ईयर। उसके बाद जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। ये स्टॉक्स आई थिंक सभी को बहुत पसंद आता है। इसमें भी उतना टारगेट तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इसमें देख सकते हैं। जियोजीट BNB, HDFC सिक्योरिटी और मोतीलाल ओसवाल, ये तीनों ही बहुत अच्छा ब्रोकरेज फर्म है और सभी ने इसमें बाय रिकमेंड किया है फॉर नेक्स्ट वन ईयर, और यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद जो मेरा तीसरा रिकमेंडेशन है, मतलब तीसरा जो आपका शेयर में बताया हूँ, वो है टाटा मोटर्स, जो अभी बहुत ही सुर्खियों में रखा है। तो इसमें कुछ अच्छा ब्रोकरेज फर्म जो है CLSA, प्रभुदास लीलाधर, मोतीलाल ओसवाल और एमकी ग्लोबल, ये चारों ही ब्रोकरेज फर्म बहुत ही फेमस है। ये लोग जो टारगेट देते हैं बेसिकली वो फॉलोज भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना एग्रेसिवली वो CLSA ने टारगेट दिया है, जो 315 रुपीज़ अभी टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा है और उसने टारगेट दिया है 400 का, और ये बाय रिकमेंडेशन है। ऐसे करके मोतीलाल ओसवाल और एमकी ग्लोबल ने भी इसको बाय में रखा है फॉर नेक्स्ट वन ईयर। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रभुदास लीलाधर, ये ऐसा एक ब्रोकरेज फर्म है जो टाटा मोटर्स को नेगेटिव सेंटीमेंट दिया है, क्योंकि इसने बोला है इसको सेल के लिए। इसके अलावा बाकी सभी ने बाय रिकमेंडेशन दिया है। तो आप ऐसे देखें कि तीनों जो टॉप कंपनीज है उसका ऊपर ब्रोकरेज फर्म में क्या क्या टारगेट दिया है और कितने दिन के अंदर। ऐसे ही आप सब स्टॉक का ब्रोकरेज टारगेट देख सकते हैं गूगल के ऊपर लिख के। ओके, सो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।